Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my viewers. How are you? I hope that you are fine. Now I will teach you model paper number 10 PPSC with translation MCQ number 51 to 100 by Arslan Amin. Let's start. Usmani Sultanate ka kul period kya hai? What is the total period of Ottoman Empire? Option C hai iska 1299 to 1922. नेक्स्ट 52 एमसीक्यूज है, जब पहली बार मरूजी करारदाद अदारा का हिस्सा बन गई, व्हेन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बिकेम द पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन फर्स्ट टाइम. 52 एमसीक्यूज ऑप्शन सी है 14 अगस्त 1985 को जो है वो पहली बार मरूजी करारदाद अदारा का हिस्सा बन गई. नेक्स्ट 53 एमसीक्यूज है, हरप्पा किसके किनारे पर वाक़ है? हरप्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रावी, रिवर रावी के जो है किनारे पर वाक़या है हड़प्पा. नेक्स्ट 54 एमसीक्यूज है, हु वाज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? इब्ने खलदून को. नेक्स्ट 55 एमसीक्यूज है, जो नेक्स्ट है, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कुल ताकत क्या है? व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ पाकिस्तान? 55 MCQs option जो है वो A है 17. Next 56 MCQs, there is no restriction of Deen Islam is a verse of. कोई पाबंदी नहीं है, Deen Islam एक आयत है, ये एक आयत है, ये सूरतुल बकरा की एक आयत है. Next 57 MCQs है, कौन सा पाकिस्तानी वजीर आजम अपने ओहदे के दौरान फौत हो गया? ऑफिस, इस ऑफिस, अपने ऑफिस में. 57 MCQs option A है, नवाब लियाकत अली खान. Next 58 MCQs है, the poet was, who was prisoned, वो शायर जो कैद था, ये फैज अहमद फैज जो थे वो कैद थे. Next, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. Next 59 MCQs है, Knightgate Florence एक बरतानवी है? Knightgate Florence was a British. 59 MCQs option B है, ये नर्स है. Next 60 MCQs है, नेपोलियन बोनापार्ट निकनेम लिटिल कॉर्पोरल वाज अ, जिस्मानी था नेपोलियन बोनापार्ट निकनेम जो था लिटिल करप्शन जिस्मानी था वो. 60 MCQs ऑप्शन ए है, एम्पीरर एंड जनरल ऑफ फ्रांस था वो. नेक्स्ट 61 MCQs है, वाटरलू कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, वाटरलू जो है बेल्जियम में वाक़या है, सिचुएटेड वाक़या है. नेक्स्ट 62 MCQs है, बस्मारक खून और लोहे का आदमी था? 62 MCQs ऑप्शन जो है वो बी है, जर्मन चांसलर जो था वो बस्मारक खून और लोहे का आदमी था. नेक्स्ट 63 MCQs है, व्हाट इज टर्म होलोकास्ट मीन्स? होलोकास्ट मीन की इस्लाह क्या है? 63 MCQs ऑप्शन सी है, किलिंग ऑफ ज्यूज बाय नाजिस ड्यूरिंग टू वर्ल्ड वार. नेक्स्ट 64 MCQs है, हयात जवेद को वाज रिटन बाय, हयात जवेद रिटन बाय लिखी थी ये अल्ताफ हुसैन हाली ने, अबाउट द लाइफ ऑफ किसकी जिंदगी के मुतल्लिक? 64 MCQs ऑप्शन जो है वो बी है, सर सैयद अहमद खान. नेक्स्ट 65 MCQs है, जो अलामा इकबाल की किताब नहीं है, विच इज नॉट द बुक ऑफ अलामा इकबाल? 65 MCQs ऑप्शन बी है, बांगे दरा. नेक्स्ट विच इज नॉट. नेक्स्ट 66 MCQs है, अंग्रेजी के शायर जो अपनी जवानी में ही इंतकाल कर गए थे उनका नाम? 66 MCQs ऑप्शन ए है, जोहन कीट्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, पिछले मॉडल पेपर में भी आया हुआ है. नेक्स्ट 67 MCQs है, जन्नत खो गया किसने लिखी थी? 67 MCQs ऑप्शन सी है, जोहन मिल्टन ने लिखी थी. पैराडाइज लास्ट वाज रिटन बाय, दोस्तों मैं इसलिए नहीं इंग्लिश बोल रहा तो क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, ट्रांसलेशन करता हूँ सिंपल सी, आपको समझ लग जाती है, बस यही बहुत होता है. नेक्स्ट 68 MCQs है, नावल वार एंड पीस वाज रिटन बाय, नावल जंग और अमन के अमन की तरफ से लिखा गया था? 68 MCQs ऑप्शन डी है, लियो टॉल्स्टॉय. मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs. नेक्स्ट 69 MCQs, हु इज द ऑथर ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन? जो तहजीब के तसादम का मुसन्निफ है, हु इज द ऑथर ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन? 69 MCQs ऑप्शन ए है, सैमुअल हैटिंगटन. नेक्स्ट 70 MCQs है, क्रेम
क्रेमलिन वाक्य, ये वाक्य कहाँ पर वाक्य है? 70 एमसीक्यूज, ये रशिया में वाक्य है। नेक्स्ट 71 एमसीक्यू, नेपोलियन वाज डाइड एट नेपोलियन जो डाइड, ये मर गया। 71 एमसीक्यू ऑप्शन बी है, एसटी हेलिना पर जो है ये वफात पा गया था। नेक्स्ट 72 एमसीक्यू है, अमेरिका के नुमाइंदे के घर की मुद्दत। 72 एमसीक्यू ऑप्शन ए है, 2 years। नेक्स्ट 73 एमसीक्यू, अफ्रीका में पाया जाने वाला गैंडा है। 73 एमसीक्यू ऑप्शन जो है वो बी है, मैमल, एक मैमल है, मैमल। नेक्स्ट 74 एमसीक्यू, मुस्लिम लीग वाज क्रिएटेड एट, मुस्लिम लीग बनाई गई थी। 74 एमसीक्यू ऑप्शन ए है, ढाका पर, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। नेक्स्ट 75 एमसीक्यू है, अमेरिकी सदर जिसने अपने दफ्तर के दौरान कत्ल किया था। 75 एमसीक्यू ऑप्शन ए है, अब्राहम लिंकॉल्न जो थे उन्होंने अपने ड्यूटी के दौरान, दफ्तर के दौरान जो है वो कत्ल किया था। 76 एमसीक्यू है, नेक्स्ट राइस इज कल्टिवेट इन, चावल में काश्त की जाती है। 76 एमसीक्यू ऑप्शन जो है वो ए है, मई जून में। नेक्स्ट 78 एमसीक्यू है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो यहीं पर लाइक कर दें। 78 एमसीक्यू है, चिनाब और जिहलम इस जगह पर एक दूसरे के साथ शामिल हो जाए। 78 एमसीक्यू ऑप्शन जो है वो ए है, ट्रीमू प्लेस पर। नेक्स्ट 79 एमसीक्यू है, जहां सारा साल रात और दिन बराबर रहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। 79 एमसीक्यू ऑप्शन ए है, न्यूयॉर्क में जो है सारा साल रात और दिन बराबर रहते हैं। नेक्स्ट 80 एमसीक्यू है, दुनिया का कदीम तरीन खलाई स्टेशन है। 80 एमसीक्यू ऑप्शन सी है, मॉस्को, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू 80। नेक्स्ट 81 एमसीक्यू है, बरतानवी ने पैलेस्टीन को यहूदी आबादकारी के लिए जगह करार दिया है, करार दिया इन 81 एमसीक्यू ऑप्शन सी है, 1917 में बरतानवी ने पैलेस्टीन को यहूदी आबादकारी के लिए जगह करार दिया। नेक्स्ट 82 एमसीक्यू है, गुलाम मोहम्मद बराज पर वाक्य है, बराज पर वाक्य है। 82 एमसीक्यू ऑप्शन ए है, कोटरी पर जो है ये वाक्य है, गुलाम मोहम्मद बराज पर वाक्य है ये। नेक्स्ट 83 एमसीक्यू है, जो सूबों के मबैन पानी का मुआहदा खत्म हुआ। 83 एमसीक्यू ऑप्शन ए है, 1991 में। नेक्स्ट 84 एमसीक्यू है, कौन सा महीना मार्च का भाई कहलाता है, विच मंथ इज कॉल्ड द ब्रदर ऑफ मार्च। 84 एमसीक्यू ऑप्शन ए है, ऑप्शन जेट, जो हम जेट कहते हैं ना जिन्हें, वही ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 85 एमसीक्यू है, द रेड सी एंड मेडिटेरियन सी आर ज्वाइंड बाय, रेड सी और मेडिटेरियन सी जो है समुद्र आर ज्वाइंड, ये ज्वाइन करते हैं, किसको ज्वाइन करते हैं? 85 एमसीक्यू ऑप्शन जो है वो बी है, सूज कैनल। नेक्स्ट 86 एमसीक्यू, बाबरी मस्जिद वाकया थी, मस्जिद में वाकया 22 दिसंबर 1992 को जो है वो डेमोलिश किया गया था। 86 एमसीक्यू जो है ऑप्शन ए है, अयोध्या यूपी। नेक्स्ट 86 एमसीक्यू है, वार्स ऑफ क्रूसेडा स्टार्टेड इन, सलीबी जंगों का आगाज हुआ किस साल में हुआ? 87 एमसीक्यू ऑप्शन बी है, 1095 में हुआ था। नेक्स्ट 88 एमसीक्यू है, किताब मैकबीथ ने लिखा था, किताब जो है मैकबीथ किसने लिखी थी? 88 एमसीक्यू ऑप्शन ए है, शेक्सपियर ने जो है ये लिखी थी। नेक्स्ट 89 एमसीक्यू है, जिसने बालासार किला बनाया, विच हु बिल्ट बालार हिसार फोर्ट, किसने बनाया था? ऑप्शन ए है, बाबर ने ये बनाया था। नेक्स्ट 90 एमसीक्यू है, बानफोर्ड करीब ही वाकया है। 90 एमसीक्यू ऑप्शन जो है वो बी है, थाथा में के करीब जो है वो वाकया है। नेक्स्ट 91 एमसीक्यू है, पाकिस्तान में बुनियादी जरिया रोजगार, मेन सोर्स एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, 91 एमसीक्यू ऑप्शन वो बी है, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट 92 एमसीक्यू है, विच कंट्री हैज लार्जेस्ट आर्मी,
किस मुल्क में सबसे बड़ी फौज है? नाइट्रो एमसीक्यूज ऑप्शन सी है चाइना में सबसे बड़ी फौज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट 93 किस किताब में अशार शिकवा जज्ब शिकवा शामिल हो सकती है? सवाबे शिकवा 93 एमसीक्यूज ऑप्शन बी है बांगे ओरा। नेक्स्ट 94 एमसीक्यूज पहली जंग अजीम के दौरान अमेरिका के सदर कौन है? 94 एमसीक्यूज ऑप्शन ए है वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट 95 एमसीक्यूज विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्ड्स टू पॉपुलेशन जो आबादी के हिसाब से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत है? 95 एमसीक्यूज ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट 96 एमसीक्यूज है ERRA stands for इरा जो है ये इसका मुखफ्फफ क्या है? अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी। नेक्स्ट 97 एमसीक्यू है CR फार्मूला पेश किया गया किसने किया था? ये राजा गोपाल ने किया था। नेक्स्ट 98 एमसीक्यू है अफ्रीका का सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है जिसमें पोलंग है। 98 एमसीक्यू ऑप्शन ए है नाइजीरिया नाइजीरिया है वो जिसमें पोलिंग है। नेक्स्ट 99 एमसीक्यूज सार्क में लाइब्रेरी की शरह जो है वो कितनी है? 99 एमसीक्यूज ऑप्शन सी है मालदीव्स। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जहां पर भी सार्क के रिलेटेड एमसीक्यूज है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। नेक्स्ट 100 एमसीक्यूज है ओपेक में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो सऊदी अरेबिया है अरेबिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इन ओपीसी जो है ओपीसी में जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो सऊदी अरेबिया है अरेबिया का है। इंशाल्लाह ताला दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दुआ में याद रखिएगा। अगर आप लोगों को शॉर्ट एंड में इंटरेस्ट है तो उर्दू एंड इंग्लिश शॉर्ट एंड के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पर वहाँ पर जाएँ सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह ताला थोड़े दिनों तक वहाँ पर जो है कुछ रूल्स उर्दू शॉर्ट एंड के कुछ इंग्लिश शॉर्ट एंड के वो अपलोड किया करूँगा। अल्लाह हाफिज़।